आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्लास 10 के एग्जाम में यूपी बोर्ड 2007 में पूछा जा चुका है। X और F का मान दिया गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज को रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के बिल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। माध्य दिया गया है हमें, ठीक है, तो सबसे पहले हम x f लिख लेते हैं, ठीक। x का मान क्या है, 15 पहला और f का 2 है, फिर 17 है और 17 के बाद 17 के सामने f का मान 3 है, फिर 19 है, 19 के सामने 4 है और P प्लस 20 के सामने 5P है और 23 के सामने 6 है। यहाँ पर क्या निकालेंगे, FX, ठीक, और योग का यहाँ पर एक खाना बना लेते हैं, योग लिखने का, ठीक है। तो क्या करेंगे, F को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, आप होंगे 15 दुगुना 30, फिर 17 गुणे 3 क्या करेंगे, 17 दुगुना 34, 17 51, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाए 51, फिर 19 दुगुना 38, 19 + 57 = 76, ठीक। यहाँ पर P प्लस 20 है इंटू 5P है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा भाई, 5P का P से करेंगे तो क्या होगा, 5P² और 20 है यहाँ पर, 5 है तो 20 × 5 = 100 प्लस का 100P, ठीक, इतना हो जाएगा। फिर इसका 23 का 6 से करेंगे तो 6 × 3 = 18 और हासिल 1 × 6 = 12 = 11, ठीक है ना, 6 × 3 = 18 = 8 हासिल 1 × 6 = 12 = 11। अब क्या करेंगे, F जो बारंबारता का मान है, N का मान जो आएगा योग, इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15 × 5P, ठीक, ये हमारा आ गया N का मान। अब क्या करेंगे, हमें माध्य यहाँ पर दिया गया है, समांतर माध्य जो है दिया गया है 20, ये हमें दिया है, ठीक है, और हमें समांतर माध्य का फार्मूला याद है, ठीक, क्या होता है भाई, सिग्मा एफएक्स अपॉन एन, ठीक, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं, क्या होगा भाई, थोड़ा से खाना और बड़ा कर लेते हैं, ठीक, क्या होगा भाई, इसमें 0 है, इसमें 1 है इकाई का, तो 1, 6, 1, 7, 7 और 8, क्या होगा, 8, 7, 15, 5 हासिल 1, फिर इसके बाद 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16 और 16, 3, 16, 3, 19, 9 हासिल 1, फिर इसके बाद 1 है यहाँ पर, 1, 1, 2, 295 प्लस ये जितना आया है इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही, 5P² + 100P, ठीक, और ये आ गया सिग्मा एफएक्स, ठीक, सिग्मा एफएक्स का मान। क्या करेंगे, समांतर माध्य भाई हमें दिया गया है प्रश्न में, ठीक, तो हम समांतर माध्य यहाँ से, हम यहाँ पर समांतर माध्य के स्थान पर 20 रख देंगे, सिग्मा एफएक्स का मान यहाँ से 295 प्लस 5P² प्लस 100P बट्टा N का मान क्या है भाई, 15 प्लस 5P, ठीक। अब क्या करेंगे, ये बाद में ही इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 × 15 × 5P बराबर 295
फाइव पी स्क्वायर प्लस सौ पी, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या होगा, पंद्रह शून्यम शून्य, पंद्रह दूना तीस, प्लस पाँच से करेंगे तो पाँच दूना दस पी बराबर 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 5p स्क्वायर है इसको इधर रखेंगे और बाकी को हम इधर भेज देंगे। ठीक, पहली बार तो 100p इधर प्लस में है, 100p इधर प्लस में कट जाएगा। ठीक, और हमारे पास 300 बचे तो 295 इधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो 5p स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 300 से 295 घटाओ तो 5 आ जाएगा ना। ठीक, यहाँ पर p स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 बटे 5, ये मल्टीप्लाई नहीं कराएगा डिवाइड में, p स्क्वायर बराबर 1, तो p का मान क्या आ गया, अंडर रूट 1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है भाई। ठीक, तो पी का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा।